इनेलो के प्रधान महासचिव और कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से प्रत्याशी अभय सिंह चौटाला ने कहा कि 400 पार का नारा देने वाली भाजपा पार्टी की हालत आज प्रदेश में ऐसी है कि उसे हरियाणा में वर्करों पर भरोसा नहीं है जो चुनाव मैदान में उतरकर पार्टी को आगे ले जाने का काम कर सके। भाजपा ने पार्टी वर्करों पर भरोसा न करते हुए दूसरे दलों से 35 मिनट पहले भाजपा में शामिल हुए लोगों को पार्टी का पटका पाना कर टिकट देने का काम किया है। इसे साफ जाहिर है कि भाजपा हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव हारने जा रही है। चौटाला लाडवा ने एक निजी पैलेस में हल्का स्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे और उन्होंने कहा है कि भाजपा ने सिरसा से ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया है जो कई दलों में रहने के बाद भाजपा में शामिल हुआ है। भाजपा को कुरुक्षेत्र व हिसार लोकसभा क्षेत्र से में पार्टी वर्करों में भी भरोसा नहीं था। और आप पार्टी ने एक ऐसा उम्मीदवार जाकर के खड़ा कर दिया जिसका हरियाणा प्रदेश से कोई वास्ता नहीं। पैदा तो हरियाणा में हुआ है, रहता दिल्ली में, सारा व्यवसाय और बिजनेस उसका दिल्ली में। अब यहां करके कहता है मुझे वोट दे दो, मुझे जिता करके भेजो। अगर ऐसे लोग गलती से जीत करके भी चले गए तो फिर मान के चलो आपको ढूंढने पर दिल्ली में जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की हालत उससे भी ज्यादा खराब है। तो मान संभालेंगे तो दोस्त सारा कुछ काट देंगे और यही आदेश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो 60 साल की उम्र का है उसको बुढ़ापा पेंशन दी जाएगी। और साथियों, आपके आने वाले पोते पोती आपसे पूछेगी कि दादा आप कोई काम तो करते नहीं हो, ना आप कोई नौकरी करते हो, ना कोई आप बिजनेस करते हो, ये पैसे आपके पास कहाँ से आते हैं जिसमें से आप हमें भी टोपियाँ खाने के लिए दे देते हो। तो वो बूढ़ा आदमी बताएगा कि भाई ये पैसे तो चौधरी देवीलाल जी ने हमें दिए थे, चौधरी देवीलाल जी ने नीति लागू की थी। तो मेरा कहने का भाव ये है कि आने वाली पीढ़ी यानी चौधरी देवीलाल जी का नाम दोस्तों